इज अ कन्वेक्स लेंस, क्या कहा जा रहा है आपको? कन्वेक्स लेंस है, हैविंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना कि इसकी इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। फिर आगे आपको ये कहा जा रहा है, ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है कितना? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल बी प्लेस, नीडल को कहाँ प्लेस करना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो इमेज है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्या इक्वल है। और फिर आपको कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है वो आप ऐसे समझो, देखो ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका वी है और रियल और इन्वर्टेड इमेज है ऑब्वियसली, तो लेंस के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड पे आपकी इमेज बनेगी। और राइट साइड में अगर इमेज बन रही है तो डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ पर वी जो है वो तो आपका हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है वेयर इज द नीडल बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप ये समझो, देखो आपको पता है एम इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई यू। एम इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई यू। ठीक है, और एम इज इक्वल टू क्या होता है? एच डैश बाई एच। अब जितना साइज आपका किसका है? इमेज का है, उतना ही साइज किसका? ऑब्जेक्ट का भी है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इट मीन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो एम होता है आपका वी बाई यू, अगर वी बाई यू आपका -1 है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -u हो जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ आ रहा ना? इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव साइन पर होगी ना इन्वर्टेड इमेज, तो यहाँ इन्वर्टेड इमेज है तो ये माइनस में आएगा ना आंसर, -1 हो। तो यू आपका हो गया, इसका मतलब जो यू है आपका ये हो गया -50 सेंटीमीटर। तो ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको निकालना है पावर, तो पावर के लिए आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो अगर मैं यहाँ लेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ तो 1/f = क्या होता है? 1/v - 1/u। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है आपका? ठीक है, अब यहां आप ये देखो, तो 1/f = 1/v, v आपका कितना? 50। -1/u आपका कितना? -50। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो 1/f = क्या हो जाएगा आपका? 1/50। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/50। तो फाइनली जो आपका 1/f है ये आपका हो गया 2/50, जिसको आप लिखोगे 1/25। तो f जो आ गया आपका वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करता हूं तो मैं बोल सकता हूँ f = 25/100, दैट इज 0.25 मीटर, या ऐसे छोड़ दो, तो ये आपका मीटर में हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, लेकिन कब होता है? जब f मीटर में हो, इसलिए हमने इसको मीटर में निकाल दिया। तो ये हो गया 1/25/100, दो हो जाएगा आपका 100/25, तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 डायोप्टर आपका आंसर होगा। तो यही आपका क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन देखो, एक आपको निकालना था वेर इज द नीडल बी प्लेस, तो यू कितना आ गया आपका? -50 सेंटीमीटर। पावर, पावर कितनी आ गई आपकी? 4 डायोप्टर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है,